दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप अपने क्लास 10th, 12th, ग्रेजुएशन किसी भी एग्जाम का परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज का एग्जाम देते हैं और कुल मार्क में से जो हमें प्राप्त अंक होता है उसका परसेंटेज ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों, यदि आपको परसेंटेज ज्ञात करना नहीं आता है तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का 100% प्रयास करूंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हम 10th में या 12th में एग्जाम दिए, तो टोटल मार्क का जो एग्जाम दिए, मान लीजिए कि कुल अंक का जो एग्जाम दिए वो 500 का एग्जाम दिए, 500 का एग्जाम दिए। इसमें जो हमें एग्जाम रिजल्ट के बाद प्राप्त अंक आया, प्राप्त अंक जो आया वो मान लीजिए कि 340 मार्क आया, ठीक। तो पूछ देगा कि प्रतिशत बराबर व्हाट, प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है कि ऑब्टेन जितना मार्क किए, मतलब ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त अंक बट्टा कितने मार्क का एग्जाम दिए, तो कुल अंक यहाँ पे। उसके बाद करना क्या है, 100 से गुणा कर देना है। दोस्तों, इसको आप याद रखें प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कि जितना मार्क हम ऑब्टेन किए उसको ऊपर में लिखना है, उसके बाद जितना मार्क का एग्जाम दिए उसको नीचे में लिखना है, उसके बाद 100 से गुणा कर देना है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे जो मार्क आया था आपको मैं दिखा देता हूँ कि 340 आया था, कितने में से, 500 में से। तो यहाँ पे क्या करना है, जितना अंक आया उसको हम ऊपर में लिखेंगे और जितना अंक का एग्जाम दिए थे उसको नीचे में लिखेंगे और 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देख सकते हैं आप, अब क्या करना है दोस्तों, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, बच गया कितना, 5 और यहाँ पे 340, तो काट देना है। तो चलिए मैं काट देता हूँ इसको, एक स्टेप और ले लेता हूँ आप लोगों के बताने के लिए। यहाँ पे इतना बचाना, आप देख सकते हैं, अब इसको काटना है। यदि आपको काटना नहीं आता है तो आप भाग दे दीजिएगा। तो चलिए मैं काट करके दिखा देता हूँ आपको, कितना होगा, 6, तो 6 × 5 = 30, तो यहाँ पे 5 × 6 = 30, उसके बाद कैरी 4 × 5 = 48। दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें जो आया 68% मार्क यहाँ पे ऑब्टेन हुआ। परसेंटेज में 340 का परसेंटेज कितना हुआ, 68%। मान लीजिए किसी का, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, किसी का 600 का एग्जाम था, कितना था दोस्तों, टोटल मार्क जो था वो 600 का एग्जाम था। दोस्तों, आपका जितने मार्क का एग्जाम होगा उसी हिसाब से इसको टोटल लिखिएगा और ऑब्टेन मार्क लिखिएगा, और ऑब्टेन जो किया वो मान लीजिए कि 342 मार्क किया, ठीक है। इसका जो परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्टेन करना है कितना था, 342 और टोटल मार्क, यहाँ पे टोटल कितना है, तो 600 का एग्जाम दिया है तो 600। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको 100 से गुणा कर देना है। अब क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 342 / 6 बचेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 342 / 6 बचा। अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो चलिए देखते हैं डिवाइड करके कितना आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड करने से यहाँ पे देखिए कितना आ जाता है, 6 × 6 = 30 बचा कैरी, उसके बाद यहाँ पे 6 × 7 = 42। दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि इसका जो ऑब्टेन मार्क हुआ वो 57% मार्क आ गया, इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये परसेंटेज
जो है वो पॉइंट में नहीं आया। क्यों नहीं आया कि ये जो संख्या है ना 342 वो 6 से कट जाती है, इसीलिए परसेंटेज जो है पॉइंट में नहीं आया। अब आपका परसेंटेज कैसे पॉइंट में आएगा इसके बारे में बताता हूं। मान लीजिए आपका जो टोटल मार्क है, टोटल जो मार्क है वो 500 है, ठीक। ऑब्टेन किए 372 मार्क ऑब्टेन किए, देख सकते हैं दोस्तों ऑब्टेन जो हुआ वो 372 मार्क। अब इसका क्या करना है तो परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम बताए हैं फॉर्मूला क्या, तो ऑब्टेन बट्टा टोटल और 100 से गुना कर देना है, इतना बताए ना दोस्तों, आपको भली भांति जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑब्टेन कितना किया 372, ऑब्टेन कितना किया 372 और टोटल कितना था 500। अब किस क्या करना है 100 से गुना कर देना है, तो 100 से मैंने गुना कर दिया। अब करना क्या है देखिए, यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, मतलब दो जीरो से दो जीरो कट गया। अब करना क्या है देखिए, अब बचा कितना 372/5 इतना बचा। अब इसको डिवाइड करें या जो आपको डिवाइड करना आसान है तो आप तुरंत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे 5 × 7 = 35, बचा कितना कैरी 2, यहाँ पे 2 और 2 और 2 22, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 × 4 = 20, बचा 2, इसके बाद 5 × 4 = 20। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो परसेंटेज आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 74.4 यहाँ पे इसका परसेंटेज आया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप किस पे वीडियो चाहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगले वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपके पास परसेंटेज है, टोटल मार्क है और ये नहीं पता है कि हमें कितना मार्क आया, तो इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।